मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताओगे कोसेक क्यूब एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद हम लोग आगे की पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, आप इसको बनाओ। अभी तक में हम लोग सीखे क्या क्या भैया जी? अभी तक में हम लोग सीखे कि किस प्रकार हम लोग साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, मतलब जितना भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है उसके स्क्वायर का किस प्रकार हम लोग इंटीग्रेशन निकालते, इस सब को भली भांति हम लोग सीखे थे। इसमें तो कहीं कोई समस्याएं नहीं है। इसमें तो कहीं कोई समस्याएं नहीं होनी चाहिए। इसमें हम लोग साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, इस दोनों के इंटीग्रेशन को निकालने के लिए हम लोग छोटी से फॉर्मूले का प्रयोग करते थे। वो फॉर्मूला था साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिखते थे 1 - cos 2x / 2, और आराम से हम लोग का इंटीग्रेशन हो जाता था। और इसमें कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पर हम लोग 1 + cos 2x / 2 इसका प्रयोग करते थे और इंटीग्रेशन बेहद ही आसानी से होता था। इसमें तो कहीं कोई समस्याएं नहीं है। हाँ जी, अगेन टेन स्क्वायर एक्स और कॉट स्क्वायर एक्स में भी हम लोग यही काम करते थे कि टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या हुआ करता था। हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यहां से हम लोग टेन स्क्वायर एक्स को अकेला करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होगा। अगेन कॉट स्क्वायर एक्स के लिए भी हम लोग फॉर्मूला यूज करते थे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। इस दोनों के मतलब ये दोनों फॉर्मूला उपयोग करके हम लोग दोनों टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व बड़े ही आसानी से कर लेते थे। अगेन कोसेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स, इस दोनों का तो हम लोग इंटीग्रेशन जाना ही है कि सेक का संबंध किससे हुआ करता था, तो टेन से हुआ करता था, तो टेन एक्स प्लस सी हो गया। और कोसेक स्क्वायर एक्स का संबंध कॉट से हुआ करता था, तो यहां पर माइनस कॉट एक्स प्लस सी हो गया। और बड़े आराम से हौले हौले जो है हम लोग यहां तक कर लिए थे। इसमें तो कहीं कोई समस्याएं नहीं है। बिल्कुल सही भैया जी, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, स्क्वायर वाले फंक्शन में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला प्रयोग करके हम लोग इसको सॉल्व करते थे। टेन स्क्वायर एक्स वाले में टेन स्क्वायर का और कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला प्रयोग करके इसको हम लोग सॉल्व करते थे। अगेन इस दोनों का तो इंटीग्रेशन मतलब इस दोनों का इंटीग्रेशन तो हम लोग जाना ही थे ना। हाँ जी, अगेन आगे जब यहाँ स्क्वायर की जगह पर क्यूब हो जाए तो क्या करना है? सब सिंपल सा काम करना है कि हम लोग जो है साइन स्क्वायर जो साइन क्यूब है साइन क्यूब एक्स, उसको लिखने का तरीका चेंज कर देते थे। किस प्रकार से भैया जी लिखते थे अब उसको समझना है, ठीक है? यहां ध्यान देना, मतलब इस साइन क्यूब एक्स को हम लोग लिखने का तरीका क्या चेंज कर इसको हटा। क्या है क्वेश्चन? कोसेक क्यूब एक्स, ठीक, यहां ध्यान दो। इसको लिखने का तरीका क्या चेंज करते थे हम लोग? साइन क्यूब एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। कहीं कोई समस्या इसमें? नहीं भैया, कहीं कोई समस्या नहीं है। अगेन इस साइन स्क्वायर एक्स का हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला पुट करते हैं। अब हम लोग क्या जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला? हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स अकेला करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1 - cos² x, और साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर अगर 1 - cos² x आ जाए तो काफी समस्याएं हम लोगों का खत्म हो जाएगा। वो किस प्रकार से? हम लोग यहाँ पर जैसे ही cos x को कुछ मान लेंगे, मान ले cos x बराबर t, cos x को कुछ मान लेंगे cos x बराबर t, और इसका डिफरेंशिएट यहाँ पर sin x और dx मिल जाएगा और आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये सब हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। सेम वही फंडा भैया जी cosec क्यूब x के लिए हम लोग करेंगे। cosec क्यूब x को हम लोग दो पार्ट में तोड़ देंगे। क्या क्या? cosec नहीं है, cos है। cos क्यूब x को हम लोग cos x into cos स्क्वायर x में तोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हमको तो पता है ना cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता। जैसे ही यहाँ पर cos स्क्वायर x का फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब आराम से हम लोग sin x की जगह पर t पुट करके आराम से इसको बना सकते हैं। आराम से बन जाएगा ये cos x और dx आपका जो है dt बन जाएगा। अगेन यहाँ पर माइनस आएगा। माइनस का क्या मतलब, किधर किधर माइनस को ट्रांसफर करना, इसके बारे में तो अच्छे से पता होगा आपको। अगेन भैया जी साइन क्यूब एक्स और कॉस क्यूब एक्स, इस दोनों को सॉल्व करना तो बेहद आसान था। सेम इसी तरह आपका टेन क्यूब एक्स और कॉट क्यूब एक्स है, उसी तरह सब में वही करना है। टेन क्यूब एक्स है भैया जी, टेन क्यूब एक्स को भी हम लोग वहां पर क्या लिखे थे? दो टर्म में तोड़े थे। एक था आपका टेन एक्स, एक था आपका टेन स्क्वायर एक्स। हाँ जी, इस दो टर्म में ये टूट गया। तो भैया जी अब क्या करें? हम लोग जानते हैं टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए बताओ,
टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला अभी तुरंत हम लोग देखे थे कि sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन होता, तो टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है। तो यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स की जगह पर sec स्क्वायर एक्स माइनस वन पुट करेंगे और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो गया टेन एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, फिर यहाँ माइनस का माइनस टेन एक्स, आराम से इंटीग्रेशन अलग अलग करके हम लोग का इंटीग्रेशन हो जाएगा, जिसमें हम लोग टेन एक्स को जो है टी मान लेंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा। बहुत आसान है, कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली इसमें, तो हलवा है। सेम उसी तरह आपका कॉट क्यूब एक्स में भी आप करोगे। देखो क्या क्या करना है, साइन क्यूब एक्स देख लिए, कॉस क्यूब मतलब कॉस क्यूब एक्स देख लिए, टेन क्यूब एक्स में किस प्रकार करना है सिर्फ वो समझना है, फंडा समझ लेना, उसके बाद तो खुद से कर लोगे क्योंकि इससे पहले हम लोग सीखे हुए हैं। अगेन कॉट क्यूब एक्स में क्या करेंगे, कॉट क्यूब एक्स है तो इसको भी दो टर्म में तोड़ देंगे। क्यों तोड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को कॉट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता है, कॉट एक्स का तो फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला स्क्वायर पता है हमको, हाँ जी, तो कॉट एक्स अगेन कॉट स्क्वायर एक्स, इसको दो टर्म में तोड़ दिए, अब इसमें इसका फॉर्मूला पुट कर देंगे। इसका फॉर्मूला क्या हुआ करता है भैया जी, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है, यहाँ कॉट एक्स तो पहले से, इसका मल्टीप्लाई के साथ, इसका मल्टीप्लाई के साथ, तो क्या होगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। आपको याद आ रहा होगा ये सब हम चीज सिर्फ कर रहे हैं, आपको याद आ जाए हम लोग ओवरऑल सारे क्वेश्चन में किस प्रकार से कौन कौन सा रूल लगाए थे, लगभग सब में सेम रूल लगाए हैं, कुछ कुछ अंतर है, सिर्फ फॉर्मूले का अंतर है, अगर फॉर्मूला याद है तो आसानी से बन रहा होगा, कहीं कोई समस्याएं नहीं आ रही होंगी। अगेन आराम से इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो इसमें हम लोग कॉट एक्स को मान लेंगे, इसका डिफरेंशिएट कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स मिल जाएगा और आराम से हौले हौले आपका सॉल्व हो जाएगा, कहीं कोई समस्याएं नहीं है। अगेन कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हमको पता ही है तो कितना आसान है। अब यहाँ पर काम आता है कॉसेक स्क्वायर कॉसेक क्यूब एक्स का किस प्रकार किया जाए और sec क्यूब एक्स का किस प्रकार किया जाए, उसी में से एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि cosec क्यूब एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन। अच्छा वैसे मैंने बताया हुआ है sec क्यूब एक्स का, उम्मीद कर रहे हैं कि आपका cosec क्यूब एक्स बन गया होगा। अच्छा cosec क्यूब एक्स बनाने से पहले बस पांच मिनट का, हाँ भैया जी बस पांच मिनट, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस पांच मिनट नहीं, पांच मिनट तो अच्छा ठीक है, आपके सामने तीन क्वेश्चन रहेगा इंटीग्रेशन का, आपको तीन क्वेश्चन पहले बनाना है उसके बाद इसके ऊपर हम लोग आएंगे। बहुत प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत दुलारा सा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कुछ देर में हम लोग देखते हैं। आप पहले इसको बनाओगे, इंटीग्रेशन करना है आपको x पे पावर सेवन माइनस वन बटे एक्स प्लस वन बटे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, हाँ भैया जी, अगेन माइनस वन बटे एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस ई पर पावर एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन बताना है क्या होगा, जल्दी से इसका इंटीग्रेशन बताओ। तीन क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, आपको बनाना है फटाफट से, कहीं कोई शर्माने वाली बात नहीं है, जल्दी से बनाना है सब क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन बनना चाहिए, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आपसे, क्योंकि इतना आसान आसान क्वेश्चन है ना, मत बोलो भैया जी इतना आसान क्वेश्चन क्यों दे रहे हैं, बताइए, कोई भी बोलेगा अरे इतना आसान क्वेश्चन, ना 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 ना, तनिक भारी क्वेश्चन, कुछ हार्ड क्वेश्चन चाहिए, सबसे आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बनाया जाए, ठीक है भैया जी, क्वेश्चन दीजिए, मजा आ रहा है। ठीक बन जाएगा, कहीं कोई समस्या नहीं, ना 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 ना, सारा बनेगा, बन जाएगा सारा, हाँ सारा बनेगा आपसे, एक और दे देते हैं क्या। अच्छा इतना अधिक परेशान क्यों करना आपको, बनाओ इसको, तीन क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन जल्दी जल्दी बनाओ। हम्म
जल्दी से सारा का सारा बनाइए, जल्दी से सारा का सारा आपको खुद बनाना है, वरना मैं रुके रहूंगा, बता दिया, मैं बता रहा हूँ, मैं बनाने वाला नहीं, पहले सारा का सारा खुद बनाओगे, उसके बाद हम लोग आगे, अरे आराम आराम से बनाना है, ठीक है, आराम से बनेंगे, पहले खुद बनाओ, हल्दी हल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ आपके लिए, जल्दी से पहले बनाओ, मैं नहीं बनाने वाला जब तक आप नहीं बनाओगे, मैं बड़ा बोल रहा हूँ भैया जी, जल्दी से इसको बनाइए आप, उसके बाद हम लोग इसको बड़े आराम से बनाएंगे, कहीं कोई समस्याएं नहीं। अब यहाँ देखो, उम्मीद करते हैं आपका बन गया होगा। अब यहाँ पर है एक्स पे पावर 7, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, साथ में एक जोड़ना है, साथ में जोड़ो 8/8, चलो माइनस का माइनस, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया जी, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, जानते हो ना, ठीक है भैया जी, यहाँ प्लस तो प्लस, 1/√1 − x², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ रूट के अंदर 1 − x² आ रहा है, जो कि साइन इनवर्स x का होता है, फिर यहाँ प्लस का प्लस, फिर 1/x² − a² किसका होता है, तो पहले तो यहाँ पर 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर यहाँ लॉग लगा देना है, फिर यहाँ x² − a² है, हम लोग जानते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए के फॉर्म में याद रखने के लिए, तो एक्स माइनस ए ऊपर पे, एक्स प्लस ए नीचे में, याद रखने के लिए मैंने कहा यहाँ बटे में है, ध्यान में रखना, अगेन माइनस का माइनस, फिर 1/x√√x² − 1 है, तो ये आपका होता है sec इनवर्स x का, प्लस e पर पावर x का, e पर पावर x ही होता है प्लस c, बन गया, इतना आसान था, सबसे आसान था ये। अगेन एक और क्वेश्चन, 1/a² − x² है, यहाँ पर था x² − a², अरे हम लोग जाना थे ना, अच्छा रुको, ऊपर वाले को मिटाते हैं, कुछ फॉर्मूले को हम लोग और लिखेंगे, ठीक है, ध्यान देना, ध्यान से समझना है, यहाँ पे क्या है 1/a² − x², हम लोग तीन तरह के फॉर्मूले को देखे, 1/x² − a², एक 1/a² − x², और एक 1/x² + a², तीनों फॉर्मूले में हम लोग ये देखे कि भैया जी पहले तो 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 1/2 से मल्टीप्लाई से 1/a से मल्टीप्लाई, इसमें लॉग लगाना है, इसमें लॉग लगाना है, यहाँ पर x² − a² है, तो x − a/x + a देना है, इस तरह हम लोग फॉर्मूले को देखे थे, यहाँ पर भी एक्स प्लस, यहाँ ए स्क्वायर है ना, तो a+x/a − x, बस इसमें ध्यान में रखना कि माइनस वाला टर्म नीचे आ जाएगा, ठीक, प्लस सी, अगर यहाँ पर क्या होगा tan इनवर्स, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये थर्ड वाला, tan इनवर्स x/a + c, काफी यूज होने वाला ये फॉर्मूला, इसलिए इसको यहाँ पे रखो, चलो जी, यहाँ a² − x² है, सिंपल सा 1/2 से मल्टीप्लाई करो, log a+x/a − x हो गया, अगेन माइनस का माइनस, 1/1 + x², अब देखो यहाँ 1 + x² यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ मतलब देखो 1 भी है x² है, प्लस तो प्लस, यहाँ ए स्क्वायर की जगह पर 1 है, मतलब ए स्क्वायर की जगह पर 1, ए की जगह पर 1 पुट कर दो, तो कुछ इस तरह फॉर्मूला आ रहा है, तो ये क्या बन रहा है, tan इनवर्स x बन रहा है, सेम tan इनवर्स x हम लोग पढ़े भी है, tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला, हाँ भैया जी बिल्कुल पढ़े, याद रखना है तो अच्छे से याद रखेंगे, क्या क्या है, हाँ माइनस का माइनस, 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है 2x होता है, प्लस का प्लस, ए स्क्वायर का, सॉरी a पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a/x/log a, प्लस का प्लस, 1/x² + a², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हम लोग जाने भैया यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, कुछ याद रखो या ना रखो इसको, इस तीनों फॉर्मूले में से इस फॉर्मूले को याद रखना ही रखना है, तो 1/a tan इनवर्स, बहुत काम देने वाला ये फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन आपको दिखेगा ही दिखेगा एग्जाम में, यहाँ प्लस का प्लस, 1/√x² − a², हम लोग देखे कहां पर x² − a² का ये फॉर्मूला था, जैसे ही इसमें रूट लग जाएगा पता है क्या होगा, वक्त जज्बात सब कुछ चेंज हो जाएगा, भैया जी सिंपल सा लॉग में जोड़ देना है, लॉग x प्लस क्वेश्चन को लिख देना, √x² − a², बस प्लस सी, इतना सिंपल सा काम करना है, क्या हो गया लॉग x प्लस √x² − a² प्लस सी, ठीक है, कहीं कोई समस्या है ना, ना 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 कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, चलिए जी अगेन इसको देख लेते हैं, 3 का क्या होता है, 3 का 3x प्लस का प्लस, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan का संबंध sec से है, log mod sec x, अगेन माइनस का माइनस, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो भैया जी cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो होता है, क्या होता है हमको पता है, माइनस cot x होता है, हाँ भैया जी, अगेन यहाँ प्लस का प्लस, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता, तो भैया कॉट का संबंध कोसेक से है, और किससे है कॉट का संबंध, हम लोग भैया जानते हैं जैसे टेन का संबंध सेक से था, तो यहाँ लॉग मोड सेक एक्स लिखे, लेकिन कॉट में हम लोग देखे थे क्या सीन है, वाह साइन में आएगा इसका, तो लॉग मोड साइन एक्स, ठीक, माइनस का माइनस, 1/√√a² − x², यहाँ जब रूट नहीं था तो ये फॉर्मूला हुआ करता था,
लेकिन जैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटे रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो सिंपल सा लॉग मोड एक्स प्लस क्वेश्चन उतार देना, इस क्वेश्चन को यहां उतार देना। इसमें भी सेम यही था, लॉग एक्स प्लस इस क्वेश्चन को यहां उतार दिया, इसमें भी सेम यही, इस क्वेश्चन को यहां उतार देना है। बिल्कुल गलत आप सोच रहे हो, बिल्कुल गलत सोच रहे हो भैया जी, क्या गलती सोच रहे हैं। सुनो, जब ए स्क्वायर आगे में आएगा ना तो साइन इनवर्स का फॉर्म आता है, इसका फॉर्म साइन इनवर्स का फॉर्म। भैया जी कितना मजाक करते हैं आप हमसे, साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी होगा, समझ रहे हो। हाँ जी, तो यहां पर कहां गया, हम क्या कर रहे थे, ये होता ना, यहां पर साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी होगा, फिर यहाँ प्लस तो प्लस दे दिए, वन बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वाला देखो यहाँ क्या है, वन बाय टू है लॉग एक्स माइनस ए बटे लॉग, मतलब लॉग एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो सिंपल सा वन बाय टू है लॉग मोड एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए बन गया, अगेन प्लस क्या रूट अंडर एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना, जब भी रूट में ए स्क्वायर आगे में आएगा, ध्यान रखना जब भी ए स्क्वायर आगे में आएगा रूट के अंदर, तो भैया साइन इनवर्स एक्स उछल के वहां पर आ जाएगा। इसको दिमाग में पहले बैठा लो, क्लिक कर लो दिमाग में, ठीक। यहाँ पर क्या आगे में ए स्क्वायर है, नहीं है, ए स्क्वायर अगर आगे में आ गया तो दिक्कत है, याद रखना, तब वहां पर साइन इनवर्स एक्स वाले भैया आएंगे। यहाँ पर उधार है, चल रहा है, तो क्या होगा एक्स बाय टू, पहले क्वेश्चन उतारो क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर यह माइनस ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर बाय टू, फिर से लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन को उतार देना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, इस तरह बनाना है, आराम से बन गया, कहां कोई समस्या था, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है जी। चल इसको मिटा दें अच्छे से, हाँ भैया मिटाइए। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग कोसेक एक्स का देख रहे थे, चलो उसी को देखेंगे। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार नहीं है। देर हो गया, मतलब हम लोग सिर्फ रिवीजन करते करते इतना देर लगा दिए, अच्छा कोई नहीं, यहां ध्यान दो, हम लोग कोसेक क्यूब एक्स डी एक्स इसका इंटीग्रेशन कब से सोच रहे हैं, करेंगे करेंगे करेंगे, इसको मान लो आए, चलो हम कोई सा भी क्वेश्चन को आई इंटीग्रेशन को मान सकते हैं, मान ली, चलो आई वाले भैया इसका सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम इसको दो टर्म में हम लोग तोड़ देते हैं क्वेश्चन। सुन लो किस तरह बनाना है, पहला काम करना है कि जो कोसेक क्यूब है जैसे सब में करते हुए आ रहे थे, इसको हम लोग पहले तोड़ लेंगे, इसमें कोसेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स में, हम लोग कोसेक स्क्वायर एक्स का अगर फॉर्मूला पुट भी कर देते हैं तो ये आगे सॉल्व नहीं होने वाला। कैसे, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं सोचना है, आपको दिमाग लगाना है, यहाँ क्या कोसेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स है, हम लोग जानते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता, वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, यहाँ पर तो कोसेक एक्स भैया है, इसे मल्टीप्लाई होगा इसका और इसका, तो क्या हो गया कोसेक एक्स प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स। अब सोचो, समझना है, ये तो आपका dx में आ गया, इस दोनों को अलग अलग हम लोग कर सकते हैं, दिमाग लगाना है, दिमाग, हाँ जी दिमाग, अगर घर नहीं रख के आओगे ना तो समस्याएं आन पड़ेंगी, समझ रहे हो ना। चलिए इस दोनों को अलग अलग कर ली, अब सोचो ये तो cosec x का आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, उसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं, log mod cosec x minus cot x इसका तो काम बन जाएगा। यहाँ पर समस्या आएंगे, यहाँ पर cosec x है और cot square x है, अब सोचो क्या कर सकते हो, या तो इसको u into v पर तोड़ोगे, यही काम कर सकते हो, या फिर क्या करोगे भैया जी, क्या करेंगे, या फिर कोई एक ऐसा टर्म लोगे जिसका डिफरेंशिएट आ जाए। सोचो तो यहाँ पर मेरा दो टर्म, एक है कोसेक, कोसेक का हम कोसेक का डिफरेंशिएट क्या होता है, कोसेक का डिफरेंशिएट भैया जी, कोसेक का डिफरेंशिएट होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका डिफरेंशिएट होता है ये, मतलब इसके अलावा क्या यहाँ पर है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स तो मिल गया लेकिन कोसेक एक्स तो दूसरा नहीं है, मतलब इसको नहीं मानना, इसका कॉट एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता भैया जी, cot x का डिफरेंशिएट सोचत है, हम लोग जानते हैं cot x का डिफरेंशिएट क्या होता है, बोलो माइनस cosec square x, तो यहां पर कहीं पर cosec square x दिख रहा ना दिख रहा, अब क्या किया जाए, अधिक से अधिक हम लोग यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर हम लोग अधिक से अधिक जो है cot square x का फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, उससे अधिक तो कुछ नहीं कर सकते, कहां तक आप जा सकते वहां तक जाओ, मैथ कहता है आपको जो करना है करो, ठीक, लेकिन अपने दिमाग का प्रयोग करो, हमको अपने गंतव्य मतलब जो मेरा लक्षित स्थान है वहां तक पहुंचना है हर हालत में, ठीक है। अब सोचो यहाँ पर हम क्या क्या कर सकते हैं,
यहाँ पर कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पर हम लोग पुट कर सकते हैं भैया जी क्या? हम लोग पढ़े हैं क्या भैया जी, कॉट स्क्वायर एक्स में कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन ये पुट कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन ये पुट कर देंगे। तो आप सोच रहे हो, यहां देख रहे हो कि यहां पर फिर से कोसेक एक्स फिर से आ गया, ये मल्टीप्लाई इससे, ये मल्टीप्लाई इससे होगा, फिर यहां पर कोसेक क्यूब एक्स आ जाएगा। हाँ भैया जी, अब क्या करेंगे, उसको फिर आप इस साइड भेजोगे तो वहां से आप आई निकाल सकते हो। हाँ निकल जाएगा, निकल जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, मैं सोच रहा था यू इन टू बी में बता दूं। अच्छा कोई नहीं, देखो यहाँ पर कहाँ थे, इसको आई माने हुए है ना, ठीक। यहाँ देखो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हुआ, लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स कर लिए, ठीक। इसको अलग अलग कर लिए तो इसका मल्टीप्लाई के साथ क्या हो गया भैया जी, कोसेक क्यूब एक्स माइनस कोसेक एक्स। तो यहाँ कोसेक एक्स था ना, ऐसे नहीं बनेगा, देखो एक्स क्यों नहीं बनेगा वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना है, ठीक, ध्यान पूर्वक ध्यान देना है आपको, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, आप घबराइयो मत। दो पल की खुशी मुझसे मुझे भी आ गई, लगता है मैंने इसको सॉल्व कर लिया। क्या ध्यान दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कोसेक क्यूब एक्स, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो कोसेक एक्स, इस दोनों को डीएक्स से अलग अलग कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ आपको पहले से दिख रहा है ये वाला टर्म, ये और ये कट जाएगा, यहाँ प्लस है ये माइनस में, बच गया सिर्फ यही ना, जिसको हम सॉल्व करते वही फिर आ गया, मतलब फिर से आप पूरा कहानी दोहराओगे। मतलब ये सॉल्व नहीं हो रहा, अपने आप को रिपीट कर रहा है, तो सॉल्यूशन तो नहीं आ रहा ना, सॉल्यूशन एक ही तरीके से आ सकता है जब हम इसको यू इंटू भी पर इसका इंटीग्रेशन करें, ठीक है। तो अपने आप में इतने बैठा लो मन में, अब इसका यू इंटू भी पर करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाने का जब उसको डिस्ट्रीब्यूट किए, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही बचा जो मेरा क्वेश्चन था, जो मेरा क्वेश्चन था वही क्वेश्चन फिर से यहाँ आ गया, अगर आपको ध्यानपूर्वक दिख रहा होगा तो सेम वही क्वेश्चन आ गया। इसलिए भैया जी ये तो इस सीधे सीधे फॉर्म में नहीं आने वाला, इसको तो हमको यू इंटू भी पर ले जाना होगा। तो चलते हैं अपने उस रोचक दुनिया में जहां से हम लोग को मजा आएगा बनाने में। हाँ जी चल इसको मिलाया जाए, काफी इधर उधर की बातें कर ली, समय नहीं है हमारे पास, याद रखना समय सबसे ज्यादा कम है, समय रहता ना तो बहुत मजे से पढ़ते, कहीं कोई समस्याएं भी नहीं आती, ठीक। क्या देखो हम पहला काम करेंगे, कोसेक क्यू एक्स को दो टर्म में तोड़ लिए, उसके बाद एक को यू मान लेंगे एक को भी मान लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद वो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सबको पता है भैया जी कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं। उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाने के बाद हम लोग देखते हैं क्या करते हैं आगे की बातें, आगे पहले फॉर्मूला को सॉल्व करो, सेकेंड क्वेश्चन तक पहुंचो तो सही, उसके बाद देखना है कहीं कोई मिल जाए भुला बिसरा उसको आई मानेंगे। अच्छा देखते हैं, चलो यहाँ देखो कैसे बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको दो टर्म में तोड़ लेते हैं, तो चलो अब टूट जाओ, तो कोसेक एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स, दो टर्म में ये टूट गया। अब ये मैं भैया मेरा यू बन गया, ये भैया मेरा भी बन गया, यू भी में हम लोग जानते हैं फॉर्मूला लगाना सिंपल सा, जो यू वाला टर्म है उसको आगे निकाल लो, ठीक, फिर जो भी वाला है उसको इंटीग्रेशन के अंदर ले लो, समझना ध्यान पूर्वक यहां समझना है आपको, फिर जो ये टर्म है उसको हूबहू यहां पर लिख लो, कैसे लिखना है हूबहू लिख लेना, हूबहू लिखो। तुम साथ हो जो मेरे, हाँ अब देखो हूबहू इसको लिख लिए, अब यहां पर इसका डिफ्रेंशिएट कर लो, ठीक, फिर इसका हॉल इंटीग्रेशन कर लो जैसे जैसे हम लोग कर रहे हैं, फिर माइनस लगाओ। आप दो जगह गलती कर सकते हो, एक इसको हॉल इंटीग्रेशन करने में, एक यहाँ माइनस लगाने में, तो फॉर्मूले में इसका ध्यान रखना, ठीक है, फॉर्मूला आसान बन जाएगा याद रखने के दृष्टिकोण से आपके लिए, इसलिए मैं ज्यादा फॉर्मूला नहीं रटवाता आपको, आपका फॉर्मूला बनाते बनाते याद होना चाहिए। अब यहाँ ध्यान दो, अब क्या कर सकते हैं भैया जी, हम लोग जाना था इसका इंटीग्रेशन क्या होता, तनिक बताया जाए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हम लोग जानते हैं ना कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, नहीं जानते हैं? अरे भैया जी आपने लिख दिया, आप क्या कर रहे हो गया, मैंने देख लिया क्या होता है। अब यहाँ ध्यान दो, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, भैया जी कोसेक एक्स का डिफरेंशिएट ये तो मुझको नहीं पता, अब हम क्या करें, क्या देखो माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, अगेन कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। अब ये माइनस दोनों माइनस मिल करके एक जुड़वा भाई जोड़ बना लेगा, ये माइनस बाहर लेते आते हैं, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, देखो सॉल्व हो रहा है ना, माइनस का माइनस ये दोनों माइनस मिल करके प्लीस बन जाएगा। अब यहाँ पर कोसेक एक्स इंटू कॉट स्क्वायर एक्स, चलिए जी
अब स्क्वाड स्क्वायर एक्स का हम लोग फॉर्मूला जाना था, क्या फॉर्मूला होता है, यहां पर इसका फॉर्मूला पुट करेंगे। चलिए इसका फॉर्मूला पुट कर लेते हैं हम लोग। दूसरा फॉर्मूला को डिस्क्राइब कर चुके हैं, उसके बाद मेरा तीसरा लक्ष्य क्या था, कोई तो एक ऐसा अजनबी मिलेगा जिसको हम लोग हाई मानने वाले हैं। मेरा एक क्वेश्चन फिर से यहाँ तैयार होने वाला है, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा लेकिन कोई कटेगा नहीं इस बार, जैसे पिछले बार कट गया था, कोई ना बचा, वो ऐसा सिचुएशन यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक, अब देखो क्या करना है हमको, कॉट स्क्वायर एक्स इसकी जगह पर हम लोग क्या ला सकते हैं। भैया जी फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला लिखो क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन होता है। तो यहां से कॉट स्क्वायर एक्स को उधर भेजेंगे तो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन हो गया। चलो अब क्या करना है, ठीक इसका मल्टीप्लाइज के साथ, इसका मल्टीप्लाइज के साथ। अरे नहीं कटेगा मत घबराओ, क्वेश्चन तो आएगा, कॉसेक क्यूब एक्स हो गया, इसको तोड़ रहे हैं अलग अलग ना, अच्छा तोड़ेंगे बाद में, चलो आपको कंफ्यूजन ना आने देंगे छोटे। कॉसेक एक्स कॉसेक क्यूब एक्स इसका मल्टीप्लाइज के साथ, फिर इसका मल्टीप्लाइज के साथ, कॉसेक एक्स डीएक्स, दो टर्म है, दोनों टर्म को अलग अलग इंटीग्रेशन में करेंगे तो ये माइनस चिन्ह काफी कुछ अंतर ला सकता है, इसलिए हम लोग उसको हॉल में इनटू के फॉर्म में लेते आएंगे। तो काहे लाएंगे, इस तरह लाएंगे, क्यों ला रहे पता है ना, माइनस प्लस आपस में झगड़ा आसानी से करे, इसको कॉसेक क्यूब एक्स इंटू डीएक्स इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन कोसेक एक्स डीएक्स। ठीक है अब बना लो, इसके पहले हम लोग सेक क्यूब एक्स का बनाए थे जो कि बहुत मजा आया था बनाने में, यहां तक बन गया समझो आपका बन गया होगा। अब हम लोग ऊपर का दो लाइन मिटाने वाले हैं, ठीक है अच्छे से इसको देख लो, जी भर के देख लो, ये बाद में ना दिखेगा, इसके बाद हम लोग आगे ऊपर बनाएंगे। तुम साथ हो जो मेरे, इस चीज की कमी है। इसके बाद हम लोग एक स्पेशल, हाँ जी स्पेशल टर्म का हम लोग इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। चलो इस हुबहू टर्म को यहाँ पर छाप डाल, अरे तो छप गया, अरे तो छप गया भाई, फिर माइनस का माइनस डालो, फिर क्या है भैया जी, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बच गया यहाँ पर कोसेक क्यूब एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां बन गया कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। अब देखो क्या कट रहा था ना, नहीं भैया जी ना कटेगा, चल माइनस यहाँ आई था ना, भूल जाते हो क्या, आई चल रहा था सब में, आई चल रहा था तो यहाँ पर आई डायरेक्ट लिखो, क्या दिक्कत है, कहीं कोई समस्या ही नहीं। चलो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस, ये मेरा क्वेश्चन था याद करो, क्वेश्चन में जो हम आई माने थे याद आ रहा है कुछ, सेम हुआ क्वेश्चन लिखा था, यहाँ पर इसके बदले में आई लिख देंगे, प्लस का प्लस, फिर यहाँ पर कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मोड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। चलो यहां तक में कहीं कोई समस्याएं, ना 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 समस्याएं नहीं है, प्लस ही दे दो। अब इस आई को इधर ले जाते हैं, यहाँ माइनस आई है बराबर की इस साइड आएगा तो प्लस आई बन जाएगा, और आई प्लस आई क्या बनता है, टू आई बनता है, तो टू आई लिख देते हैं, ये इधर आ चुका है बराबर की उस साइड, यहाँ पर क्या बच गया, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग एक्स मोड कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। जानते हो आपके पास लगभग लगभग सारा जितना भी कॉन्सेप्ट है सब पहुंच चुका है, सब कमी है तो मेहनत का, जितना मेहनत करोगे उतना आपके अंडर ये आ जाएगा इंटीग्रेशन, याद रखना जितना आप मेहनत करोगे उतना आपका ये निखार इसमें आएगा, इंटीग्रेशन में निखार आएगा, सिर्फ आपके मेहनत पर डिपेंड करता है, जितना मेहनत करोगे उतना इंटीग्रेशन आएगा। हाँ जी समझ रहे हो ना, बिल्कुल भैया जी हम समझ चुके हैं कि हमारी मेहनत हमें इंटीग्रेशन में अव्वल बना सकती है, तो मेहनत करो ना भाई, कौन रोका है आपको मेहनत करने से, किसने रोका है मेहनत करने से, किसी ने नहीं, इसको मिटा दे आप या मिटाइए। अब हम लोग क्या देखेंगे उसको समझो, यहां तक में हम उम्मीद करते हैं आपका ये u इंटू v वाला वो कंप्लीट हो गया होगा, किस प्रकार से u इंटू v का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ये सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा पूरा, भले मन से आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका मतलब आप समझ चुके होंगे। अगर आप जो है एक बार मेरे कहने पर आप एक बार सेक क्यूब एक्स का बना के देखो, बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो कहीं ना कहीं है जो अभी तक आप भवन में फंसे हुए हो। अब देखो साइन पावर फोर एक्स का भी देखना था, लेकिन वहां जाने से पहले एक थोड़ा सा एक स्पेशल टर्म को देख लेते हैं, अगर कहीं पर 1/1 + 10x दिख जाए, या फिर 1/1 - 10x दिख जाए, या फिर 1 बटे
वन प्लस कॉट एक्स दिख जाए या फिर वन बटे वन माइनस कॉट एक्स दिख जाए। ये चार टाइप का इंटीग्रेशन है जिसमें से एक ना एक इंटीग्रेशन आपको दो तीन साल में रिपीट होते हुए दिखेगा ही दिखेगा। ये इंटीग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें थीटा लगेगा आपका, कहां पर क्या लगेगा उस एक क्वेश्चन को सीख जाओ, बाकी चाहे किसी तरह का क्वेश्चन आए आप बना सकते हो, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक, हम लोग एक क्वेश्चन बनाने सीख जाते हैं। ठीक, तो चलो इसको बनाए, पहले भैया इसको सिखाइए फिर उधर चलिएगा, आज काफी कुछ है सीखने के लिए इसलिए मेहनत करना है आपको सीखने के प्रति। अब यहाँ पर पहला काम करना है इस तरह क्वेश्चन को बनाने में कि हम लोग क्वेश्चन को साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वन बटे वन प्लस टेन एक्स, इसको हम लोग आई मान लेते आगे काम आएगा तो देखा जाएगा, नहीं आएगा काम छोड़ देंगे ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर मेरा पहला काम था साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो करो ना भाई, हम लोग जानते हैं ना tan x बराबर sin x बटे cos x होता है, तो यहां पर 1 बटे 1 प्लस sin x बटे cos x। अब यहां पर cos x हम लोग LCM लेंगे, तो भैया जी अच्छे से लीजिए, तो यहां पर 1 छिपा हुआ है, 1 से समझना इसको हम लोग यहां पर रफ में सॉल्व करते हैं, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक, क्या है 1 प्लस sin x बटे cos x, इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि अच्छा लगेगा देखने में, इसको सॉल्व कर रहे आपको परेशानी ना हो। ठीक है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, बगल में आप ही सॉल्व करके यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, कहीं कोई समस्या ही नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, cos x क्या होगा, वन से भाग देंगे यहाँ cos x हो जाएगा, माइनस cos x से cos x में भाग देंगे वन होगा, वन से मल्टीप्लाई sin x में तो sin x हो गया, तो cos x माइनस sin x हुआ, तो ये टर्म को यहाँ लिख दो, इस पूरे को सॉल्व करने पर ये हुआ cos x माइनस sin x बटे cos x। इसलिए ऐसा हम लोग किए कि यहाँ दूर और इसमें आपको गैप आ गया बीच में, तो कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ बगल में किए और कहीं कोई बात नहीं, कि यहाँ ऊपर वन था तो वन लिख दिए। चलिए इसमें कहीं कोई समस्या है नहीं भैया जी, कहीं कोई समस्या है नहीं। अब ये पलटेगा cos x ऊपर चल जाएगा, आएगा cos x ऊपर, तो स्वागत है आपका हमारी इस नई दुनिया में, cos x ऊपर चले गया, cos x माइनस sin x हो गया dx। अब सोचो समझना है, क्या समझना है, नीचे में cos x है sin x भी है, ऊपर में सिर्फ cos x, sin x नहीं है, हाँ भैया sin x, तो दो काम करने वाले हैं। पहला काम कि sin x अपने मन से जोड़ेंगे और अपने मन से घटाएंगे। ठीक, इसके साथ साथ जो cos x है ना, जब यहाँ दो को sin आएगा दो को cos भी चाहिए, तो दो से मल्टीप्लाई करके दो से डिवाइड कर देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है यही रूल, इसको अदर हिसाब से अदर सवाल से ये इसको अलग बना देता, इसी में बच्चे इसी में आप लोग फंस जाओगे, इस सेकेंड स्टेप में ही आप फंस सकते हो, बस यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि नीचे में कॉस भी है साइन भी है, ऊपर में साइन चाहिए तो साइन जोड़े और घटाए, लेकिन साइन जोड़ने और घटाने पर यहाँ पर दो साइन आ गया, लेकिन कॉस तो एक है, हमको दो कॉस चाहिए, दो से मल्टीप्लाई करेंगे और दो से डिवाइड भी करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यही करते हैं, दो से मल्टीप्लाई दो से डिवाइड कर दिए और दो को अंदर भेज देते हैं। ठीक, अंदर भेज दिए दो को, कहीं कोई समस्या है नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं, इसमें साइन एक्स जोड़ो और साइन एक्स घटाओ, तो साइन एक्स जोड़ दिए और साइन एक्स घटा दिए, कहीं कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अरे हट जा थोड़ा सा गैप ला, इतना मेहनत वाला काम कर रहे हैं, sin x जोड़ रहे हैं sin x घटा रहे हैं, शर्म नहीं आता तेनू। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप हम लोग किए, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो एक बार रोको और दोहरा के देखो हम लोग किए क्या, हम लोग sin x जोड़े और sin x घटाए, यहाँ पे दो को sin आया तो दो cos आने से दो से मल्टीप्लाई कर दिए, अब क्या करेंगे इस cos को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, बस कुछ तो है जो होने वाला है, इसको देख करके आप गदगद हो जाओगे, सब में चारों क्वेश्चन इसी तरह करना है। cos x यहाँ पर cos x को cos x plus cos x के फॉर्म में लिख दी, इस 2 cos x को लिखे, हम लोग लिख सकते हैं ना 2 x को x plus x के फॉर्म में, तो 2 cos x को cos x plus cos x के फॉर्म में लिखे, यहाँ पर sin x और minus sin x तो पहले से था, चलिए इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं, cos x minus sin x, अब अगर cos का sin के साथ लेंगे एक cos को इस sin के साथ लेंगे, बस बन गया सवाल। यहाँ ये मैं बता रहा हूं ना, ये स्टेप जो है यही स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये स्टेप को अच्छे ढंग से समझ लो, सारी समस्याएं हरे राम हरे कृष्णा हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो, 1/2 1/2 ये cos x sin x के साथ जाएगा, फिर ये cos x इस sin x के साथ जाएगा, चाहे चले गया, फिर नीचे में cos x माइनस sin x है। ठीक, यहाँ पर dx है, ठीक है, कहीं कोई समस्या है नहीं,
अब इसको और इसको अलग अलग कर लेना है और आपका सवाल बन जाएगा। ठीक, चलिए अलग अलग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ, जब भी बाहर में इंटीग्रेशन के बाहर माइनस हो या कोई भी कॉमन नंबर हो तो जब भी अलग अलग करो तो बड़ी पोस्ट लगा दो, आसानी होगा याद रखना। इंटीग्रेशन के बाहर जब भी कोई माइनस या फिर कोई कॉन्स्टेंट टर्म हो और हम लोग अलग अलग कर रहे हो तो इस बड़ी पोस्ट को लगा लेना, कभी गलती नहीं होगा। ठीक, चाहे ध्यान रहे या ना रहे आपका, गलती तो नहीं होगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, फिर इस टर्म को इस टर्म के साथ अलग कर लेंगे। अरे मेरे भाई, 2 + 5 है बटे 7 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/7, फिर 5 + 5/7, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। वही काम यहाँ पर किए, सिर्फ नीचे में हर में कभी प्लस के फॉर्म, मतलब ऐसा ना हो भैया जी इस तरह है तो हम लोग लिखते हैं 7/2 और +7/5, ये गलत हो जाएगा। नीचे में एक अंक रहे तो अलग अलग लिख सकते हैं, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, नीचे में एक अंक रहे तो अलग अलग लिख सकते हैं। नीचे में एक अंक है, इसको एक अंक माने, इसका इससे इसके साथ डिवाइड कर दिए, फिर इसका इसके साथ डिवाइड कर देंगे। एक दो बार बनाओगे ना दिमाग में छप जाएगा ये। ठीक, वैसे मुझे तो आइडिया है, लग रहा है कि आप समझ जाओगे, लेकिन अगर मैं भी नहीं समझ पाए ना तो एक बार अपने मतलब एक दो बार अपने से बनाना तो समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर यहाँ dx का dx, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 बचा। चलिए यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत, स्टार्टिंग किए tan x को कन्वर्ट कर लिए sin x और cos x में, फिर यहाँ पर LCM किए और ये आया, फिर यहाँ पर हम सोचे दिमाग लगाए cos x ऊपर गया तो यहाँ पर sin x जोड़ना और sin x घटाना था, लेकिन यहाँ पे 2 को sin आ रहा था तो यहाँ 2 को cos भी चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिए। ऐसा करने से यहाँ पर सगा संबंधी मिल गया, उसको अलग अलग किया, यहाँ 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे, बस 2-3 लाइन का और सवाल है, बन जाएगा। एक कितना आसान था, सबसे आसान सवाल था कोई और तो यही सवाल था। इस तरह आपका चारों क्वेश्चन बनेगा, इसलिए घबराना नहीं है आपको। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार इसको अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। अब इसको देखो, 1/2 तो 1/2 लिख दिए, यहाँ पर ये था इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो क्या हो गया cos x + sin x / cos x - sin x। ठीक, यहाँ प्लस था तो प्लस, इस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 1/2 हो गया। अब बन गया, क्या ही था, कुछ ना था, यहाँ dx है ना, अलग अलग किए, dx कौन देगा रे, अरे रुक जाओ रुक जाओ, अलग अलग। अभी हम लोग इंटीग्रेशन किए कहाँ है, 1/2 का 1/2, ये इंटीग्रेशन यहाँ आया, dx के साथ ये आ गया, dx यहाँ लिख देते हैं, अच्छा छोड़ो बाद में, +1 dx, अभी अलग अलग नहीं किया। ठीक है, ये एक में ही है, चलो यहाँ ध्यान दोगे, अब इसको अलग कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे, दोनों का अलग कर लो, 1/2 तो बाहर में था, इसको अलग कर लिए, फिर इसको भी अलग कर लिए, यहाँ 1/2 था इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1/2 यहाँ आ गया। अब यहां ध्यान देना है, देखो क्या नीचे वाले का, नीचे वाले कुछ मानने पर ऊपर वाला मिल रहा है, सोचो तनिक। अगर हम लोग नीचे वाले को टी मान लें cos x - sin x को, दिमाग लगाना, अगर इस cos x - sin x को कुछ मान लिए टी, क्या इसका डिफरेंशिएट ऊपर वाला आएगा, अच्छा करते हैं, cos x का क्या होगा, यह जी - sin x हुआ, यहाँ पर sin x का cos x हो गया, इक्वल टू ठीक इंटू dx इक्वल टू dt हो गया, यहां से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लिए तो क्या हो गया sin x + cos x into dx equal to dt, इस माइनस को उधर भेज दिया, माइनस यहाँ आ गया, यहाँ माइनस खत्म, तो यहाँ माइनस dt आ गया, तो क्या ये ऊपर वाला मिल गया, हाँ भैया जी मिल गया, तो मिल गया तो करना क्या है, बस बन गया आपका सवाल यहीं पर बन गया, तो क्या हुआ भैया जी, देखिए आप यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसके बदले में t पुट कर रहे हैं, cos x - sin x के बदले में, cos x - sin x के बदले में t पुट कर रहे हैं, तो cos x + sin x, cos x + sin x into dx - dt हो गया, तो - dt हो गया। अब प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, ठीक प्लस c, अब यहां पर माइनस को बाहर निकाल लिए, अब 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t + 1/2 गुना x, x / 2 + c, ठीक है, वैसे यहां पे c लेस देना चाहिए, कोई नहीं यहीं पर c लेस देते हैं, सिर्फ हल्का हल्का चेंज करना है, ठीक वैसे सही है, ध्यान रखना अभी नया नया में सही है आपके लिए, सब कुछ सही है। इतना आपको समझ में आया, t का मान क्या माने थे, cos x - sin x, तो t के जगह पर -1/2 log mod, यहाँ mod लगाना है, क्या है cos x - sin x + x / 2 + c, बन गया।
कहां कोई समस्याएं हैं? बिल्कुल नहीं, समस्याएं सारी की सारी खत्म हो चुकी हैं। बस आपको ये लाइन कंप्लीट रखना है, बाकी सब आसान है। ठीक, बाकी सब आसान है। चलो एक और बनाएंगे, फिर हम लोग बल्ले बल्ले करेंगे। ये हम लोग प्लस वाला बनाएगा, एक माइनस वाला बनाएंगे क्या, लेकिन क्वाड में बनाएंगे वो। समझ में आया? कहीं कोई समस्या है? ना 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 ना, कहीं कोई समस्या नहीं है। चलो जी, एक बार जल्दी जल्दी से बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। भैया जी सब कुछ तो ठीक है, बहुत ही मजा आ रहा है, वो तो बात सही है, लेकिन एक पावर फोर वाला भी बता रहे थे आप, समय कितना हुआ? अरे रे रे रे, ठीक कोई नहीं, एक क्वेश्चन कर लेंगे हम, क्योंकि मुझे पता है आपने, हाँ, मुझे पता है कि आपका एक घंटा प्लस जाने के बाद जो है मन नहीं लगता पढ़ने में, इसलिए हम लोग एक घंटे का ही लेक्चर कर रहे, ज्यादा देर नहीं करते। यहाँ जान दो, वन माइनस कॉट एक्स, ये आई हो गया। अब देखना है वन माइनस कॉट एक्स है तो किस प्रकार किया जाए। पहला काम साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वन माइनस यहाँ पर कॉस एक्स बटे साइन एक्स हो गया। ठीक, यहां पर बगल में लिख दो क्या है फॉर्मूला, कॉस एक्स बटे साइन एक्स। यहां पर फ्रैक्शन आया, फ्रैक्शन को बगल में सॉल्व करो, क्या है फ्रैक्शन, वन माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स। तो क्या हुआ, यहाँ नीचे वन छिपा हुआ, साइन एक्स एलसीएम लिए, ऊपर में साइन एक्स आ गया, फिर माइनस कॉस एक्स आ गया। ठीक है, कहीं कोई समस्या है? ना 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 ना, कहीं कोई समस्या ही नहीं है। अगेन इस सारे टर्म को यहां पर लिखो, साइन एक्स नीचे में है, फिर ऊपर पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर ऊपर पे वाई डी एक्स। ठीक, इस साइन एक्स को ऊपर ले गए, साइन एक्स को ऊपर ले गए, तो क्या हुआ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स फिर डी एक्स। अब क्या करना है, अब जो है भैया जी सिंपल सा काम करना है, वो सिंपल सा प्यारा प्यारा सा काम क्या है, हम लोग देख रहे हैं यहाँ कॉस एक्स है, तो हम लोग कॉस एक्स को लाने के लिए हम लोग एक काम करेंगे कि कॉस एक्स जोड़ देंगे और कॉस एक्स घटा देंगे। सेकेंड स्टेप ध्यान में रखना, वहां पर साइन एक्स था, यहाँ पर साइन एक्स के अलावा कॉस एक्स नहीं है, कॉस एक्स लाने के लिए कॉस एक्स जोड़ेंगे और कॉस एक्स घटाएंगे, तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे मान लो पांच है, पांच में दो जोड़ो और दो घटाओ, क्या फर्क, इधर कट पांच ही रहेगा ना, सेम वही फंडा यहाँ पर, कॉस एक्स जोड़ो और कॉस एक्स घटाओ, ये आपका डीएक्स में आ गया। लेकिन भैया जी यहाँ दो को कॉस है तो दो को साइनो चाहिए, वन बाय टू से डिवाइड कर दिए। अब क्या करना है, जोड़ा लगा देना है, अलग अलग कर देना और इंटीग्रेशन कर देना है, तो यहाँ पर साइन एक्स प्लस साइन एक्स फिर प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स बटे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर क्या करना है, वन बाय टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एक साइड, फिर प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, इसको इसके साथ अलग करना, इसको इसके साथ अलग करना और इंटीग्रेशन कर लेना, आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके आगे आप खुद से सॉल्व करोगे, उम्मीद करते हैं आपका सॉल्व होगा। बहुत ही आसान है क्वेश्चन, बेहद आसान क्वेश्चन है ये, इसके साथ जाएगा, इसका डिफरेंशिएट ऊपर मिल जाएगा, मिल गया आपको ऊपर डिफरेंशिएट, सेम उसी तरह बनेगा, ये दोनों आपस में कट के वन हो जाएगा, सिर्फ वैल्यू का अंतर होगा, बाकी सब कुछ सेम मेथड से बनेगा। और उम्मीद करते हैं आपसे, आप बना लोगे यहाँ पर, अगर आप मेहनत करोगे तो आपसे ये बनेगा, नहीं करोगे मेहनत तो नहीं बनेगा। उम्मीद करते हैं आपसे मेहनत होगा। ठीक है, बाकी चारों क्वेश्चन उसी तरह आपको बनाना है, सारा बनेगा, कहीं कोई समस्याएं नहीं आने वाली। चलो जी हम लोग एक बार फोर वाला देख लेते हैं, उसके बाद आज भर के उतना ही रखेंगे, उसके बाद आज का, अच्छा ठीक, यहाँ ध्यान दो, देख ले काफी कुछ है छोटे, इसलिए मैं कह रहा हूं अपने आप को सदृढ़ बना लो। ठीक, अब से ध्यान रखना, इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद से आप अपना मैक्सिमम टाइम फिजिक्स के ऊपर दोगे और केमिस्ट्री के ऊपर दोगे और इंग्लिश के ऊपर दोगे और हिंदी के ऊपर दोगे, मैथ के ऊपर अब मात्र आपको एक घंटे ही देना है। ठीक, बाकी सब सब्जेक्ट में आपको अब देना है, समय नहीं बचा हुआ है आपके पास, 30 डेज भी नहीं है आपके पास, 25 डेज है। ठीक, पांच से डिवाइड कर लो, कितना, 5 दिन बचा ना हर सब्जेक्ट को, आपका मतलब हर सब्जेक्ट के लिए मात्र 5 दिन ही है आपके पास। अब 5 दिन में किस प्रकार सबको क्लियर करोगे वो आप सोचो, फिजिक्स भी आपका अभी बहुत सारा है जो आपको, जितना मुझे पता है आपने बताया था कि फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश हिंदी सब में आपको काम करना है अभी, तो सिर्फ मैथ में पास करके क्या करोगे, आपको हर सब्जेक्ट में पास होना है। तो अभी से मन बना लो, डेली हम लोग फिजिक्स में दो घंटे एक घंटा ही दोगे, केमिस्ट्री में 1 घंटा, इंग्लिश में आधा 1 घंटा, इसमें भी 1 घंटा दोगे तो बात बन जाएंगी, मतलब आपको डेली 5-6 घंटे पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, अभी कोई कटौती नहीं चलेगी, बस सोच के चलो मेरे पास 5 दिन बचा है एक सब्जेक्ट के लिए, इतना कम दिन बचा हुआ है आपके पास, बस आप ये सोच के चलो और आसानी से इसको कंप्लीट करो। ठीक, चलो
इसको मिटा देते हैं। अगर साइन पर पावर 4x रहेगा तो कैसे करना है इसका इंटीग्रेशन वो जान लो। सिंपल सा इसको अलग अलग कर लेना है साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। फिर क्या करना है एक काम करो ना ऐसे और आसान बन जाएगा ऐसे और लेंदी बन जाएगा आपसे। इस साइन पर पावर 4x को ऐसा लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और यहां पर फॉर्मूला पुट कर दो बस लो काम खत्म। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 बस यहां पर पुट कर दो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। किस प्रकार को देखो 1 माइनस कॉस 2x बटे 2 होल स्क्वायर ठीक इंटू dx तो सबका स्क्वायर होगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर dx ये बाहर आ गया 2 का होल स्क्वायर 1 बटे 4 बाहर आ गया और 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करो और बना लो बहुत आसान है बच्चा वाला चीज है इंक भी खत्म हो गया कोई नहीं 1 बाय 4 इसका होल स्क्वायर करते हैं यहाँ 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस इसका होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x फिर माइनस 2 इंटू कॉस 2x। अब फिर यहां पर इंटीग्रेशन आया सबका अलग अलग करना है तो 1 का अलग इंटीग्रेशन फिर प्लस 1 बाय 4 सबके साथ आएगा कॉस स्क्वायर 2x का अलग इंटीग्रेशन या फिर कॉमन ले सकते हो दोनों में से कोई एक काम करना है आपको यहाँ माइनस का माइनस ठीक यहाँ 2 पहले से है 1 बाय 4 भी आएगा और कॉस 2x का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन करो इसका आप जानते हो इसका आप जानते हो ठीक कॉस 2x का क्या होता है याद करो याद है ना साइन 2x बटे 2 बन जाएगा। फिर इसका भी आप कर सकते हो यहाँ पे फिर से आपको फॉर्मूला पुट करना होगा तो क्या करना होगा यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x बटे 2 dx फिर से अलग अलग करके आप यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करोगे और आपका बन जाएगा। किस प्रकार बनाना है वो देखो इसे 1 बाय 2 को अकेला किए प्लस कॉस 2x बाय 2 को अकेला किए ठीक है फिर इसका मल्टीप्लाई के साथ अरे बना लोगे बच्चा वाली चीज सब बनाओगे ठीक है। इसी तरह कॉस पे पावर 4x है ना इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स पर होल स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना है इसका कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x बटे 2 कॉस में प्लस साइन में माइनस ध्यान रखना। चलो इसको पुट करोगे और सेम इसी तरह बनाना है बन जाएगा आसान सा है सिर्फ ध्यान रखना है 1 बाय 4 ले रहे हैं कॉमन तो सब में मल्टीप्लाई करना है इसका सिर्फ ध्यान में रखना है बाकी बहुत आसान है। अगर इंटेंट वाला भी इसी तरह बनेगा अरे देखो कैसे बनेगा देख लो क्या याद रखोगे आप बेटा तू मैं कह रहा हूं आप ट्राई करो दिमाग लगा तो कैसे कैसे बनाओगे आप यहाँ ध्यान देना है आपको हम लोग देख ही लेते हैं किस प्रकार हम लोग 10 पावर 4x का करेंगे ठीक है ध्यान से देखना है आपको देख ही लो छोड़ने से अच्छा है देख ही लेना है क्या दिक्कत सोचो यहाँ पर 10 पावर 4x क्या कर सकते हैं भैया जी कुछ ऐसा कीजिए जो इंटीग्रेशन हो जाए पावर 4 का तो नहीं जानते 10 क्यूब का ही फॉर्मूला नहीं जानते तो क्या करें हम लोग जानते हैं 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स में तोड़ दिए 10 स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या एक को छोड़ के एक को चेंज कर देना क्या इससे होगा समझ में आएगा टेन स्क्वायर एक्स को चेंज कर दी इससे स्क्वायर एक्स माइनस 1 इससे क्या चेंज आया कुछ तो समझ में आएगा ही आपको इसका मल्टीप्लाई के साथ इसका मल्टीप्लाई के साथ टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या होगा अब जो है हम लोग टेन एक्स को अच्छा पहले अलग अलग कर लो टेन स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी अरे अच्छे से लिख डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब जो है जैसे हम लोग टेन एक्स को कुछ मानेंगे टी तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ये आपका डिफरेंशियलिटी बन जाएगा। हाँ भैया जी अरे मानो ना यहाँ पर क्या मानोगे टेन एक्स को टी मान लिए तो क्या हुआ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी ये सारा टर्म डी टी बन गया और ये क्या हुआ टी स्क्वायर डी टी बन गया माइनस टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता तो सिंपल सा क्या करना इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 करना है और डी एक्स करना है यहां से बना लोगे इसको बना लोगे टी का वैल्यू पुट करना है बन गया। इसी तरह आपको कॉट कॉट पावर 4x का ही बना लेना है और कोशिश करना है कि सेक पावर 4x का बन जाए ठीक उम्मीद करते हैं आपसे बनेगा
वरना देख लो ना क्या दिक्कत। तुम साथ हो जो मेरे इस चीज की कमी है। यहाँ ध्यान दो, इंटीग्रेशन ऑफ sec, इंटीग्रेशन ऑफ sec टू पावर 4x dx। अच्छा बिल्कुल tan की तरह करें इसको भी, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं भैया जी, 1 प्लस tan स्क्वायर x। बन तो गया छोटे, बन तो गया, क्या दिक्कत था। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, तो sec स्क्वायर x प्लस sec स्क्वायर x इनटू tan स्क्वायर x dx बन गया। अब क्या करना है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इनटू tan स्क्वायर x dx। इसको आप जो है tan x को जो है t मान लेना, sec स्क्वायर x इनटू dx आपका आ जाएगा और t स्क्वायर के फॉर्म में यहां आ जाएगा, बन जाएगा, सारा बन जाएगा आपसे। सब मेहनत करना है आपको, sin पे पावर 4x, cos पे पावर 4x, tan, cot, cosec, sec सब का बनाना है, बनेगा, उम्मीद करते हैं बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तो साइन और कॉस का है, इससे एक ना एक एग्जाम में रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन, कभी कभी आपका टेन वाला पूछता है एग्जाम में, इसलिए दिमाग में रखना ये सब चीज, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले 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 लेक्चर में, ठीक।